हे गाइस, तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो मैम ने सीन गाइस, आप लोग देख रहे हो सीन फिटनेस रहा, तो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं फिटनेस इंडस्ट्री से बहुत सारा अपडेट लेकर आया। एंड गाइस, अब वीडियो हमारा रेगुलर आएगा, पर डे 2 वीडियो आएगा पूरा अपडेट का। तो उससे पहले मैं बता दूं कि यदि आपको किसी प्रकार का कोई भी जेन्युइन सप्लीमेंट चाहिए, तो FN एथलीट फोन एंड न्यूट्रिशन, जो कि इंडिया का वन ऑफ द टॉप वन ऑफ द लीडिंग ब्रांड इंडिया, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जहां से जाकर चेकआउट कर लेना गाइस। तो आज का जो सबसे पहला और सबसे बड़ा अपडेट है, वो IFBB प्रो सुपर सैम की तरफ से गाइस। रिसेंटली देख सकते हो उन्होंने अपना एक अपडेट शेयर करा गाइस, आप लोग देख सकते हो सुपर सैम का ये करंट फिजिक अपडेट है। फिजिक का बात करूंगा तो कहीं ना कहीं उन्होंने इस बार बैक पे बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट करा, और इनका हर हमेशा थोड़ा बैक लैक होता है। ओवरऑल इनका फिजिक बहुत बढ़िया है, लेकिन बैक में कहीं ना कहीं थोड़ा सा लैक था, तो उस पर इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से काम करा है। फिजिक देख सकते हो बहुत अच्छा है। आई थिंक इस साल ये कम्पीट जरूर करेंगे, और एट द एंड ऑफ द ईयर। वैसे ये सेरू क्लासिक तो कम्पीट करने वाले हैं नहीं, क्योंकि आपने आप लोगों को पता ही होगा इतना बड़ा कॉन्ट्रावर्सी फिर से चल रहा, साहिल खान वर्सेज सेरू अंग्रेज, और सब कुछ आपको पता ही होगा। एंड रिसेंटली वीडियो डाला, जाकर चेकआउट भी कर लेना, तो शेयर जिसको नहीं पता है पता चल जाएगा। बाय द वे, फिजिक देखकर आप लोगों को क्या लगता है, सुपर सैम क्या इसको इनको इस बार क्वालिफिकेशन मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा? व्हाट एवर जो भी सोचते हो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। तो गाइज, जो हमारा नेक्स्ट अपडेट है वो है IFBB प्रो पंकज गजवानी। गाइज, तो आप देख सकते हो रिसेंटली उन्होंने अपना एक अपडेट शेयर कर गाइज, बैक का ये इनका करंट कंडीशन है। देखो, लास्ट टाइम जब इन्होंने मुंबई में कम्पीट करा था, उसके बाद ये आफ्टर मतलब एक प्रो शो के बाद ये सेकंड प्रो शो कम्पीट करेंगे, जब भी ये कम्पीट करेंगे। और गाइज, आप लोग इंप्रूवमेंट देख सकते हो, लैक इनका था बैक में थोड़ा सा थिकनेस। देखो, ओवरऑल यदि फिजिक की बात करेंगे तो पंकज गजवानी का फिजिक बहुत ज्यादा बढ़िया। मेरे को लगता है जितने भी प्रो है ना, इनका जो वेस्ट है बहुत ज्यादा नैरो। ऑलमोस्ट मेरे को जहां तक लगता है कि सबसे ज्यादा जो वेस्ट नैरो है वो है पंकज गजवानी का। बाय द वे, एक बार आप लोग को कौन सा एथलीट्स को लगता है जो प्रो एथलीट्स है, तो कमेंट करके आप लोग बता देना एक बार। बाय द वे, आप फिजिक देख सकते हो बहुत अच्छा है, बहुत इंप्रूवमेंट। अभी अपने फ्रेम में कुछ अच्छा गुड क्वालिटी मसल मास पुट ऑन करके ओन स्पेस विथ इंप्रूवमेंट के साथ आएंगे, तो पंकज बहुत अच्छा करेंगे गाइस, जिनके अंदर पोटेंशियल है। एंड आप लोग बताना एक बार कमेंट करके कि इनका फिजिक आप लोगों को कैसा लगा, और आप लोग को क्या लगता है कि पंकज मैंने टॉप 5 क्रैक कर सकते हैं जिस भी शो में कॉम्पीट करेंगे। तो लेट सी, देखते हैं क्या होता है। तो गाइस, जो हमारा नेक्स्ट अपडेट है वो है आपका मनोज सरंगपानी की तरफ से। रिसेंटली देख सकते हो ऑफ सीजन का अपडेट डाला भाई, मतलब मनोज सरंगपानी ने बहुत अच्छे तरीके से ऑफ सीजन करा गाइस, बहुत अच्छा बोल सकता हूँ ऑफ सीजन इन्होंने करा, बहुत इंप्रूवमेंट के साथ। बहुत कम एथलीट्स को देखता हूँ इस तरीके के ऑफ सीजन, एंड जो कि दिखता है ऑफ सीजन का मतलब। तो देखेंगे कि जब ऑन सीजन पे आएंगे तो कितना इंप्रूवमेंट करके आते, क्या साइज क्या कंडीशन। देखो, साइज तो इनका ठीक ठाक था जब भी इन्होंने कॉम्पीट करा था दिल्ली वाले सेरू क्लासिक लास्ट ईयर, वहाँ पे हम गए भी थे, इनको देखा भी था फ्रंट टू फ्रंट, कंडीशनिंग में कहीं ना कहीं हिट नहीं कर पाए थे। तो लेट सी, देखते हैं कि इस बार जो लास्ट टाइम इन्होंने गलती करा कंडीशन का, तो बहुत सा बार होता है कि जब आप अपने फ्रेम में ना मसल मास पुट ऑन करते हो ज्यादा, तो कंडीशन हिट नहीं होता फर्स्ट टाइम। लेट सी, देखते हैं वैसे भाई जब कितने इंप्रूवमेंट, किस किस पार्ट पे इंप्रूवमेंट, खास करके इनका फोकस करेंगे हम लैक्स पे कि लैक्स में कितना इंप्रूवमेंट। देखो, अपर बॉडी इनका ऑलमोस्ट बढ़िया लगता है, लेकिन एज अ बैलेंस बॉडी की बात करेंगे तो लोअर बॉडी और खास करके हैमस्ट्रिंग लैक करता है। तो देखेंगे कितना इंप्रूवमेंट के साथ ऑन स्टेज आते हैं, और जो भी है आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। तो गाइस, जो हमारा नेक्स्ट अपडेट है वो है एंड्री फार्गुसन की तरफ से। गाइस, रिसेंटली देख सकते हो एंड्री फार्गुसन ने अपना एक अपडेट शेयर करा, और ये जो कि कम्पीट करने वाले हैं 4-5 सप्ताह बाद। एंड गाइस, कंडीशन देख सकते हो। देखो, एंड्री फार्गुसन का ना लास्ट 2-3 साल की जो बात करूंगा ना, तो मेरे को कोई बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट वैसा दिखाने कि अपने इनका जो साइज है ऑलमोस्ट सिमिलर, इतना ही साइज होता है, कंडीशन ऑलमोस्ट ये हिट करते हैं जो भी इनका है, फिजिक जो भी है, तो मतलब इंप्रूवमेंट। और आपने देखा होगा लास्ट टाइम जिस तरीके से रायन टेरी ने आया और एक तरफा गेम को कर दिया, उससे पहले इरिन बैंक्स ने आया बिल्कुल गेम को अलग कर दिया। तो मतलब मिड सेक्शन जो है ना इनका वैसे होता, मतलब फ्रंट से बात करता हूँ, कोर सेक्शन नहीं, फ्रंट एब्डोमिनल पार्ट की बात करूँ तो बढ़िया लगता है, लेकिन कोर इनका बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। और आजकल मैच वीक में ना जजेस बिल्कुल लोग मतलब जो भी एथलीट्स होते हैं मतलब स्टैंड होते हैं, खड़े होते हैं, तो बिल्कुल कोर और बिल्कुल नैरो होकर खड़े होते हैं, जिससे कोर बिल्कुल शाइन करता है। एंड गाइस, जैसे लिप ब्याल हो गए, आपने देखा ही होगा, तो उस ब्याप पे मैं बोलूँ तो इनका कोर स्ट्रांग नहीं है, जिनके वजह से मेरे को लगता है इनका प्लेसिंग भी कुछ बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट कुछ वैसा हो नहीं रहा। बट लेट्स सी, देखते हैं इस बार कितना क्या करते हैं। वाइट दे कमेंट करके आप लोग बताओ इनका फीक आप लोगों को कैसा लगा। तो गाइस, अभी जो हमारा अपडेट है वो है मनप्रीत आहूजा, रिसेंटली एक वीडियो कुछ शेयर करा उनने, तो इस वीडियो को देखना और आप लोग को क्या लगता है, ये कॉन्ट्रोवर्सी रुकना चाहिए या फिर इसी प्रकार चलना चाहिए, आप लोग जरूर कमेंट करके बताना। हैं सपोर्ट की टुवर्ड्स IFBB एंड शेरू क्लासिक के बारे में। गाइज, मैं आप लोगों को एक बात बहुत ही जोरदार तरीके से बताना चाहूंगा कि बहुत सारे अब एथलीट्स, बहुत सारे कोचेस जो हैं वो खुल करके सामने आना चाहते हैं, और जितनी भी चीजें गलत हो रही हैं
या गलत बनाई जा रही हैं उसके खिलाफ जा करके जो भी उनके पास एविडेंसेस हैं या उनके दिल के अंदर जो बातें हैं वो सारी लेकर के आना चाहते हैं। इसमें वो सामने वाली पार्टी की पूरी टीम को एक्सपोज कर देना चाहते हैं और बहुत सारी बातें वो ऑलरेडी मेरे साथ शेयर कर चुके हैं, डेटा मेरे पास कलेक्ट हो रहा है और डेली बेसिस पर आपके सामने वीडियो बाय वीडियो चीजें आती चली जाएंगी। एंड गाइस, इसमें से कोई भी चीज जो है वो किसी भी इंसान से प्रेशराइज करके नहीं बनवाई जाएगी, ना कभी पहले बनवाई गई है ना आज बनवाई जाएगी। आप किसी भी जन से जो वीडियो बनाएंगे या जो भी स्टेटमेंट देंगे आप उनसे खुद भी चीजों को क्रॉस चेक कर सकते हैं और सामने वाली पार्टी कैसे कैसे चीजों को मैनिपुलेट, ट्विस्ट और दूसरी सब चीजों की तरफ लेकर के जाने की कोशिश कर रही है, ये सारी चीजें भी आपके सामने आती चली जाएंगी। तो गाइस, जो हमारा नेक्स्ट अपडेट है वो है आपका आईएफबीबी प्रो इंडियन रॉक दीपक नंदा की तरफ से। गाइस, तो दीपक नंदा कॉम्पीट करने वाले हैं। गाइस, देख सकते हो दीपक नंदा का ये करंट कंडीशन है, ऑक्सीजन इनने करा था और जो भी है देखो बहुत ज्यादा ना आजकल के एथलीट्स ऑफ सीजन मुश्किल से मुश्किल 4-5-6 महीने का ऑफ सीजन करते हैं, तो 5-6 महीने में आप बहुत ज्यादा कोई ह्यूज चेंज तो ऐसा कुछ दिखता नहीं है आपको। ऑफ सीजन में है कि बॉडी बिल्कुल फुलर लगता है आपको, बहुत ज्यादा मसल मास, साइज मसल मास तो और क्या साइज आपको लगता है, लेकिन जब वो एक बॉडी कटिंग पे आती है तो आप देखना लास्ट ईयर इस ईयर में कितना इंप्रूवमेंट होता है। तो 6 महीने में कोई बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट तो होता नहीं है, बट देखते हैं फिर भी कितना क्या करते हैं, कंडीशन बहुत बढ़िया करेंगे दीपक नंदा। तो इनका पोजिंग तो बिल्कुल अमेजिंग, सबसे बढ़िया पोजिंग मेरे को लगता है और फेवरेट भी लगता है। तो एक बार आप लोग भी बताना कि इनका फिजिक आप लोगों को कैसा लगा, आपको क्या लगता है इंडिया से कोई भी एक एथलीट क्लासिक फिजिक में क्या आपको लोग ओलंपिया के स्टेज पे इस साल देख सकते हैं, जहाँ पे जी जॉन भी कॉम्पीट में भी करेंगे इन अपकमिंग टाइम शेरू में, तो आई डोंट नो बट आता अपडेट में आपके पास लेकर आऊंगा तो बताना आप लोग। तो भाई, जो हमारा नेक्स्ट अपडेट है वो है आपका गुरुजी मुकेश गहलोत की तरफ से। रिसेंटली उन्होंने कुछ टिप्स शेयर करा आप लोग के लिए, आप इस वीडियो को देखना है। गुरुजी के बारे में आप लोग क्या सोचते हो कमेंट करके जरूर बताना। बार बार पूछते हैं कितनी एक्सरसाइज में हम कर सकते हैं, क्या सभी एक्सरसाइज में ड्रॉप से लगा सकते हैं, तो मैं कहूंगा बिल्कुल नहीं। आप अपनी एक या दो एक्सरसाइज कंपाउंड मूवमेंट को चूज करें जिसमें उसमें भी सभी सेट्स नहीं, एक या दो सेट लास्ट के जो होते हैं ना उसमें आप ड्रॉप करें वेट, एक सर्टन वेट। जैसे ये इस वीडियो में दिखाया है इसमें 80 kg वेट है। अब जब मैं 80 kg वेट पे अपनी मसल को फेल कर लेता हूँ, 8-10 रैप लगा लिए मैंने, फिर मैंने एक प्लेट को ड्रॉप किया क्योंकि अभी मेरी स्ट्रेंथ 80 kg पे तो फेल हो गया मैं, लेकिन मेरी स्ट्रेंथ है कि मैं इससे थोड़े कम वेट पे अभी और रैप लगा सकता हूँ। एक प्लेट ड्रॉप किया, फिर रैप लगाए, जो भी 5-6 जितने भी रैप आए, अब इस वेट पे मसल फील हो गया और रैप नहीं लगेंगे। तो जब ये आपको फील और नहीं लगेंगे तो एक प्लेट फिर ड्रॉप कर दें। आप इस तरीके से आप चाहे तो एंड तक भी जा सकते हैं। एक स्टेज ऐसी आएगी आपसे खाली बार को रैप निकालना भी आपके लिए टफ हो जाएगा, तो ये आपके ऊपर आप 2 प्लेट ड्रॉप करें, 3 करें, जितना भी आपकी कैपेसिटी है। तो इस तरीके से करना है, बिगनर्स जो है वो अवॉइड करें तो बेटर है, थोड़ा जो एडवांस एथलीट है कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स में है वो ड्रॉप सेट करें तो ज्यादा बेहतर उनके लिए। तो ये आपकी इंटेंस ट्रेनिंग इंटेंसिटी को बढ़ाने का एक तरीका है मसल को फुल एग्जॉस्ट करने के लिए। तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं अपनी किसी भी एक या दो एक्सरसाइज में। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, यदि वीडियो पसंद आया तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। इसी प्रकार आपको फिटनेस इंडस्ट्री का सारा अपडेट सबसे पहले आपको हमारे यूट्यूब चैनल सिंह फिटनेस पे मिलता रहेगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और फिर से मैं आप लोगों को बताऊँ डिस्क्रिप्शन में मैंने AFN एथलीट फॉर न्यूट्रिशन का मैंने डाल रखा लिंक, वहाँ चेकआउट कर लेना। कोई भी सप्लीमेंट आपको चाहिए तो परचेज कर लेना, बहुत अच्छा सप्लीमेंट है। अभी मैं अभी अपना ऑक्सीजन इसी सप्लीमेंट के साथ करने वाला हूँ, तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।